नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाज गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। तफसील जानते हैं, आज उसके नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ हैं। अफजल जावेद, बताइएगा क्या पेशरफ सामने आई है। हाँ जी, देखें, बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में बाद गिरफ्तारी जो जमानत है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी, उसको FIA ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है और दरखास्त में इस्तदा की है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से गैर कानूनी है और रिकार्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जमानत बाद गिरफ्तारी के असूल और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे को ठीक तरह नहीं समझा। बुशरा बीबी ने अपने खावन के साथ मिलकर अवाम के इत्माद को ठेस पहुंचाई है। बुशरा बीबी ने अपने खावन के साथ मिलकर रियासती तोहफे का जो है गलत इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ इस तकाजा के शवाहद को नजरअंदाज किया, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो 23 अक्टूबर का जो जमानत मंजूरी का फैसला है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लदम करा। बुशरा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी चैलेंज, तफसील अपडेट करते अफजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।